रीवा शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर राजेश सिंघल की विगत 2 दिवस पूर्व कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया था। वह आनंद फानन में इंदिरा नगर स्थित आवास तनिषा नर्सिंग होम को सीज करते हुए इंदिरा नगर क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर उनसे जुड़े लोगों की जानकारी जुटा। जिला चिकित्सालय में कोरोना जांच कराया गया। इसी दौरान डॉक्टर सिंघल की पत्नी डॉक्टर रेखा सिंघल द्वारा दावा करते हुए डॉक्टर सिंघल की निगेटिव रिपोर्ट को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। आज रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय स्थित वायरोलॉजी लैब से उनकी बेटी एवं बहन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरएस पांडे ने की, जिसके बाद प्रशासन पुनः हरकत में आ गया एवं पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर द्वारा अपने कार्यालय में बैठक ले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक आविद खान एवं एडिशनल आईजी सूर्यकांत शर्मा सहित उक्त कंटेनमेंट क्षेत्र का निरीक्षण कर ड्यूटीरत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए दोनों पॉजिटिवों को नर्सिंग होम में आइसोलेट कर दिया गया। वहीं ड्यूटीरत कर्मचारियों को आईजी द्वारा होटल एसपीएस में ठहरने की व्यवस्था की गई है। प्रस्तुत एक झलकी एवं जानकारी के अनुसार जो खंभा जो बिजली का वो है, अभी किसी को कोई समस्या तो नहीं है। शाम को आई, वो भी नेगेटिव आई। 26 तारीख को जब नेगेटिव आई तो 27 तारीख की अर्ली मॉर्निंग फिर से रिपोर्ट ली गई, सैंपल लिया गया। 27 तारीख की रात को यानी कि अभी थोड़ी देर पहले फिर से रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। टोटल 4 बार टेस्ट हुआ उनका, उसमें से 3 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, 1 पॉजिटिव आई थी। ये सारी सूचना रीवा जब पहुँची तो रीवा में भी हड़कंप मच गया कि डॉक्टर साहब को कोरोना है, लेकिन वास्तव में डॉक्टर साहब को मेरे ख्याल से कोरोना था ही नहीं। एक रिपोर्ट पता नहीं कैसे पॉजिटिव आ गई, अब या था भी तो अब वो क्योर हो गया है या तो क्योरेबल स्थिति में रहा होगा, अब ये नहीं पता मुझे। जो भी ये गलत रिपोर्ट के कारण जो भी हुआ हो, हम 3 दिनों तक बहुत ही मानसिक प्रताड़ना में हमने झेला है, पूरे परिवार ने, पूरे परिवार के सहित, और रीवा वासियों ने और कुछ मीडिया ने कुछ अपशब्द भी कहे हैं, उसके कारण हमारे परिवार को और मेरे को बहुत दुख हुआ है। सर, ये डॉक्टर सिंघल का मामला अभी ठंडाया नहीं था कि 2 लोग और उसके परिवार के पॉजिटिव बताए जा रहे हैं क्या? हाँ सही है, उनके परिवार से 2 से 10 पॉजिटिव आए। सर, ये कौन कौन है, ये कैसे संभव हो सकता है कि डॉक्टर सिंघल की वो रिपोर्ट निगेटिव आई हो, उनके 2 परिवार के सदस्य पॉजिटिव? नहीं, डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव नहीं आई थी, पॉजिटिव भी आई थी। अब हो सकता है बाद में जो बताया जा रहा है कि रिपोर्ट निगेटिव है, उसके बारे में मैं उससे सत्यापित नहीं करता हूँ उस रिपोर्ट को कि निगेटिव है कि नहीं। निगेटिव भी होगी तो हो सकता है कि बाद में समय के साथ साथ बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया होगा और उसके कारण निगेटिव आ सकती है रिपोर्ट। बाकी जो अभी वर्तमान में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव है उनके सदस्यों के। उनके सदस्य कौन कौन है सर, उनकी बहन है सर? नाम बताना संभव नहीं है। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसा इसका एक ट्रीटमेंट होता हो जो मेडिसिन देने के बाद इसके सिम्टम्स तब जाते हो और रिपोर्ट निकालने में ऐसा हो जाता हो? नहीं, दवाई देने से निश्चित बीमारी ठीक हो सकती है, तो सिम्टम भी तब जाते हैं। जी तो सही है। सर, ऑथेंटिक किसको माना जाएगा सर रिपोर्ट को? रिपोर्ट तो जो हमारे सामने है तो हम तो इसको ऑथेंटिक मानते हैं। वहाँ की रिपोर्ट्स के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के मतलब जो अभी 2 रिपोर्टें आई हैं वो सही है, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं। सर, जो अभी 2 रिपोर्टें आई यहाँ, जो अभी वर्तमान में रीवा में जो 2 रिपोर्ट्स हैं वो सही है, वो सही। ये डॉक्टर राजेश सिंघल जो रीवा के रहने वाले थे, वो उनको ब्लैडर कैंसर की समस्या थी, उसके लिए वो दिल्ली गए थे और दिल्ली से 13 से लौटे थे 13 तारीख को। 13 से 20 तक वो रीवा में रहे। जब उनकी 24 तारीख को सैंपल ले गई जिसकी रिपोर्ट 25 तारीख को आई है, तो वो उनकी पॉजिटिव आई है, उसके पहली वाली रिपोर्ट निगेटिव आई है। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीम ने मिलकर के उनके पूरे जो कॉन्टैक्ट है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट की सूची बनाई है हम लोगों ने, 36 लोगों की कॉन्टैक्ट की सूची है। उस सूची के लोगों में टेस्ट हुई है, तो उसमें से उनकी बच्ची और उनकी बहन का पॉजिटिव आया है, जिस कारण से ये पूरा इंदिरा नगर का इस गली को हम लोगों ने पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और पूरा पैक कर दिया है, इससे कोई अंदर और बाहर नहीं जा सकते, आ जा सकते हैं। उसी की व्यवस्था हम लोग देखने के लिए यहाँ आए थे कि हमारे जो पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे रहेंगे पीपी किट के साथ और पूरी सावधानी बरतें और वो अपने घर को नहीं जाएं और अपनी वर्दी को रोज़ धोएं और इस तरह की जो सैनिटाइजेशन की और जो डिस्टेंसिंग की जो पॉलिसी है, हम पूरे पूरा इसको पालन करें। 3 तारीख तक का लॉकडाउन है, वो हम और सख्ती करेंगे इसमें। सर, पुलिस वालों के लिए रहने के लिए क्या व्यवस्था की गई, इनको कहाँ ठहराया जाएगा जैसे रात में? पास में ही SPS होटल है, वहाँ पर पुलिस वाले मेडिकल
सभी जो ऐसे लोग जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, वहीं रहेंगे, वहीं उनका भोजन होगा, वो अपने घर नहीं जाएंगे। जब तक होम क्वारंटाइन ऐसे लोगों को करते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है, जो मॉडरेट और हाई रहते हैं उनको हॉस्पिटल क्वारंटाइन करते हैं, मॉडरेट वाले को जिला अस्पताल करते हैं, हाई वाले को जिनमें सिम्टम और ज़्यादा है मेडिकल कॉलेज में करते हैं। जब ऐसे उनमें कोई सिम्टम थे नहीं तो इसलिए वो होम क्वारंटाइन में थे, अब वो अपने इलाज के संबंध में एक दो जगह गए हैं, ये ज़रूर एक बात है। कुछ पेशेंट को देखा भी है यहाँ पर, पेशेंट उनके वाइफ भी डॉक्टर थी, अब नहीं कह सकते हैं कि उनका पेशेंट था या उनकी वाइफ का पेशेंट था, कुछ पेशेंट उनके नर्सिंग होम में हर समय भर्ती भी रहते थे, हो सकता है कि देखा होगा या कंसल्ट किया होगा या उनसे कोई मिलने आए हों, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो खुद ही एक पेशेंट के रूप में जगह जगह अपने इलाज के लिए जा रहे थे।